एवरीवन, इट्स मी त्रिष्टिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ टोनर के बारे में। टोनर क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए और ये क्या फ़ायदा करता है हमारी स्किन को। तो आज सिंपल सा मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे आपको मेरी हर वीडियो में आपने देखा होगा, मेकअप से पहले या स्किन केयर के अंदर मैं हमेशा टोनर यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या हमारी स्किन को फ़ायदा मिलता है, तो जो टोनर होता है वो हमारी स्किन के लिए इतना इफ़ेक्टिव होता है कि आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो सारे मिनिमाइज़ हो जाते हैं, धीरे धीरे मिनिमाइज़ हो जाएंगे। और कुछ टाइम अगर आप इसे कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम बाद आपके जो ओपन पोर्स हैं वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो टोनर है ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे स्किन पे से सारे ओपन पोर्स हैं उसे रिड्यूस करने के लिए। अब बात करते हैं कि मार्केट के टोनर बहुत सारे हैं और घर में जो हम टोनर बनाते हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो मार्केट के जो टोनर हैं उनमें कुछ केमिकल्स मिला हुआ होता है, मतलब 100% प्योर हो हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम जो घर में बनाकर रखते हैं वो 100% प्योर होते हैं। बट इतना फ़र्क होता है कि जो मार्केट के होते हैं वो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, 1 से 2 साल चल जाते हैं, लेकिन जो घर के होते हैं उसे हमें 1 महीने या 2 महीने, इससे ज़्यादा वो नहीं चलते, है ना। तो इसके लिए हम कोई नहीं, हम 1-2 महीने में नया अपना बना सकते हैं वापस से, लेकिन हमें ये तो श्योरिटी होती है कि हम मार्केट के जो टोनर है उनके मुकाबले हम जो घर में बनाते हैं वो कितना ज़्यादा प्योर होता है। कि तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ टोनर जो कि मैंने घर पे बनाए हैं और कुछ मेरे पास है जो कि मार्केट के हैं। और अभी मैंने एक ऑर्डर किया है, वो अभी आने वाला है, तो वो आएगा तब मैं उसका रिव्यू अलग से शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ टोनर। तो मैंने यहाँ पर ये बनाया था रोज़ वाटर, ये इतना प्योर है कि इसका जो रेसिपी है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसमें लिंक शेयर करूँगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट करना। इसकी मैंने पूरी रेसिपी बताई है किस तरह से आप रोज़ वाटर घर पे ही बना सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस अगर बात करें तो प्योर गुलाब के जो फूल होते हैं ना, गुलाब प्योर, उसकी खुशबू कितनी प्यारी होती है, बिल्कुल वैसी खुशबू है। और इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। तो ये रोज वाटर का जो है ये मैंने घर पे बनाया है। सेकंड जो है वो है ग्रीन टी, ये मैंने ग्रीन टी का घर पर बनाया है जो कि आप देख सकते हैं मेरा रोज वाटर का। मैं बहुत ज्यादा इसे यूज करती हूँ तो ये मेरा खत्म हो चुका है, मतलब इतना हुआ है। और ये मेरी सेकंड बॉटल होगी आई थिंक, क्योंकि मैं टोनर बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, मतलब दिन में 2 से 3 बार मैं टोनर यूज करती हूँ अपने पूरे फेस पर। तो ये रोज वाटर का है, ये ग्रीन टी का है, इसको मैंने कम यूज किया है लेकिन मैं इसको भी करती रहती हूँ। तो ये ग्रीन टी का है, इसका भी मैंने शेयर किया है वीडियो, तो आप इसका भी लिंक मैं शेयर करूंगी, आप वहां जाकर चेक कर लीजिए, आप घर पर इजीली बना सकते हैं। ये बिल्कुल प्योर है, इनमें कोई केमिकल कुछ भी नहीं है। और एक है ये वाला, इसको मैंने एलोवेरा मिक्स करके टोनर बनाया था, इसके अंदर एलोवेरा है, रोज़ वाटर है और इसमें विटामिन ई की कुछ कैप्सूल्स मैंने डाले थे। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर ये बनाया, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। और आप अब देख सकते हैं ये पूरा ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है ये, और ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा था। आपकी स्किन को मतलब टोनर टोन करने के साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है ये, तो ये बहुत ही अच्छा था। ये भी घर पर बनाया हुआ है और सिंपल सा है। जो कि मार्केट का अब मैं बात करूँ तो ये तो 3 मैंने घर पे बनाए थे जो कि मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ, और जो मार्केट के हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने मार्केट का मंगवाया था जो कि अरोमा मैजिक का है, अरोमा मैजिक स्किन टोनर है ये, और ये भी काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये। मतलब मैं इसे यूज़ करती रहती हूँ, आप देख सकते हैं बॉटल यहाँ तक हो गई है, फुल भर के आई थी, यहाँ तक है, मैं इसे यूज़ करती रहती हूँ। और ये पर्टिकुलर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और उसमें काफ़ी सारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो और ये 200 ml की बॉटल है और ये काफ़ी अच्छा है, इसकी खुशबू एक खुशबू जैसी है नॉर्मल सी। और ये भी मुझे अच्छा लगा मार्केट का, लेकिन मैंने जो घर पे बनाया वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, बिकॉज वो प्योर है, उसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। और सिंपल सी बात करें तो ये रोज़ वाटर जो कि मार्केट का है, आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये सिंपल सा रोज़ वाटर है, ये मैं काफ़ी सारी रेसिपीज़ में इसे यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये मार्केट का है तो जो हम जो भी रेमेडी बनाते हैं तो वो काफ़ी टाइम चल जाती है, तो इसके लिए मैं मार्केट वाला यूज़ करती हूँ उसके अंदर। और ऐसे अपनी स्किन के लिए भी मैं एज ए टोनर के लिए ये यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास ये इतने सारे, आप देख सकते हैं, ग्रीन टी का, ये रोज़ वाला, ये अरोमा का, और ये बात करें तो एलोवेरा का, एंड ये वाला, ये सारे टोनर आप देख सकते हैं,
ये सारे टोनर मैंने मतलब मैं यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है टोनर, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं, बहुत ही हेल्दी रखते हैं। अगर आपको थोड़ी भी थकान फील हो रही है जो है, ये मैं यूज़ करके बताती हूँ आपको। अगर आपने पूरा फेस अपना अच्छे से मेकअप भी कर रखा है ना, तो आप मेकअप के बाद में मेकअप सेटिंग स्प्रे जो होता है उस, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ये यूज़ करके बताती हूँ। वाओ, ऑसम। इसकी खुशबू तो मतलब आपकी सारी थकान दूर कर देती है, इतनी प्यारी खुशबू है इसकी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है और मैं दिन में 2-3 बार ये करती रहती हूँ, इस तरह से अपने पूरे फेस को बस स्प्रे करके और फिर वो ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। और इससे आपकी स्किन ग्लो होती है, आपकी स्किन में कोई भी टैनिंग वगैरह वो भी जाती है, आपकी स्किन फेयर होती है, लाइट होती है। और सबसे अच्छी चीज़, आपके जो ओपन पोर्स हैं वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। और ओपन पोर्स की वजह से ही आपके पिंपल की शिकायत, ऑयली, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल आना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये इसी की वजह से होती है। होम रेमेडीज़ आपके लिए ज़रूर मतलब बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूँ, होम रेमेडी जो कि आपके ओपन पोर्स को खत्म कर देगी। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए होप सो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके पास इस तरह का कोई भी टोनर नहीं है और आप यूज नहीं करते हैं, तो प्लीज आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, मेरी वीडियो देखने के बाद से ही आप टोनर यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी स्किन केयर में, मतलब सबसे अच्छी चीज है, सबसे जरूरी चीज है ये। और आप जब भी इसे स्किन को टोन करते हैं तो आपको नाइट में और मॉर्निंग में तो जरूर करना है। आप अपनी स्किन को अच्छे से फेस वॉश कर लेते हैं, देन फेस वॉश के जस्ट बाद में आपको अपनी स्किन को पूरा स्प्रे करना है, मतलब देन उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो भी स्टेप है वो सारे फॉलो करने हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा, और रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, लाइक किए बगैर मत जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल दिया है उसे भी क्लिक करिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी के साथ में वीडियो को शेयर करिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।